मेरा नाम अजय कुमार हुआ। मैं हेयर फॉल से बहुत जूझ रहा था। मैं जब मैं देखा यूट्यूब पे तो बहुत सारा आया, लेकिन उस चैनल में देखे हैं क्यूएचटी क्लिनिक, सबसे बहुत अच्छा। और उसमें देखे लोग, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, उनका रिजल्ट देखे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोचा क्यूएचटी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मैं और भी जगह कंसल्ट किया था क्लिनिक पर, लेकिन उतना वहाँ का रिजल्ट नहीं, लेकिन यहाँ का रिजल्ट क्यूएचटी क्लिनिक का सबसे बहुत बेहतर दिखा हमको। मेरा जो टोटल ग्राफ लगे से 3500 ग्राफ लगे थे, जो वो क्यूएचटी टेक्निक द्वारा कराया गया था। पहले तो कराने से बहुत कुछ हमको लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब एक थोप कुछ पता नहीं चला, हम गए पूरा एक पूरा आपको पूरा बढ़िया क्यूएचटी की टेक्निक द्वारा ऐसा हुआ, आपको एक तो कोई दर्द हो तो कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद फॉलोअप में डॉक्टर द्वारा जो भी बताया गया कि आपको धूप से बचना है, अपने को केयर करना है, जो भी थी ट्रीटमेंट। मैंने फर्स्ट PRP आया उसके बाद दिसंबर में, उसके बाद सेकेंड PRP जनवरी में कराया, और थर्ड PRP के लिए मैं आया हूँ। पहले से बहुत मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ, बहुत अच्छा ग्रोथ किया। एक क्यूएचटी क्लिनिक जो भी है बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी जितने पर्सन हैं हर कोई सपोर्ट करते हैं। हर महीने फॉलोअप करते हैं, फ़ोन कर पूछते हैं कैसे है क्या है, रिजल्ट सब देखते हैं। डॉक्टर जब भी आते हैं, डॉक्टर मैडम भेंट करते हैं, चाहे डॉक्टर सर भी रहते हैं, जो भी हैं फॉलोअप करते हैं, पूछते हैं क्या है, रिजल्ट है कैसा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर तो हमको क्यूएचटी इसलिए अच्छा रखा, क्यूएचटी जो था वो आपका ग्राफ निकाल दे जाते हैं उसी समय, सेम टाइम में ग्राफ लगाया जाता है, उसका ग्रोथ 99% है कि वो ग्रोथ आपका सही रहेगा। इसलिए मैं चुनाव किया जो क्या बोलते हैं क्यूएचटी टेक्निक द्वारा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमको लगा, इसलिए मैं क्यूएचटी क्लिनिक में उसको चूज किया। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरा पेन थोड़ा सा भी, एक हल्का सी भी हमको पेन नहीं हुआ। और ट्रांसप्लांट उसके बाद जब हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला, सारा चीज़ हो गई। एक पहले मन में लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, दर्द करेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे थे। लेकिन जैसे ट्रांसप्लांट मेरा सब हुआ, करा के निकले, एक तो पता रद्दी भर थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। और 2-3 दिन के बाद सारा, 1 दिन के 24 घंटे के अंदर उसके बाद सारा चीज़ नॉर्मल। उसके बाद बहुत तो अच्छा महसूस हुआ। फर्स्ट जो आपका सर, जो हम जब ट्रांसप्लांट कराएं उसके बाद मेरा जो बाल जो ट्रांसप्लांट हुआ था, डोनर एरिया से निकाल कर, पीछे डोनर एरिया से बाल निकाल कर के आगे रोपे गए थे बाल। उसके बाद वो 1 महीना के बाद जो बाल होता है वो शेडिंग के बाल, 1 महीने के लगाने के बाद वो आपका बाल जितने बाल लगते हैं वो सब शेडिंग होते हैं। उसके बाद 1-2 महीने के बाद बाल धीरे धीरे निकलना चालू होता है। उसके बाद हमको लगा कि अब बाल अथी हो गया, गिर गया, तो वो गिरना है शेडिंग फेज है। मैं पता किया तब वो पता चला कि नहीं, वो शेडिंग फेज है। उसके बाद बाल 2 महीना, धीरे धीरे 3रा महीना, उसके बाद देखिए मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट, सारा शेडिंग निकल रहा है, सारे बाल निकल गए, बहुत खुश हैं। पहले सबसे जो मेरा लुकिंग था बहुत अच्छा हुआ, जो भी बाल का है, चेहरा का, चाहे आपको पूरा पूरा जो आगे पहले के लुक में, अभी के लुक में देखने के बाद आप चौंक जाओगे कि क्या क्या है। पहले बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ यहाँ पे, इससे बहुत खुश हैं। मैं आया हूँ अपना थर्ड PRP के लिए। उसके बाद थर्ड PRP कराने के बाद आपको फिर अगले PRP में मिलूँगा। मेरा PRP के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है, अपने अच्छी ग्रोथ के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर अगले PRP में आपसे मिलेंगे। थैंक यू PhD। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।